बिल्डअप किया, लगभग लगभग 7,000 लोगों के नेटवर्क को मैं लीड कर रहा था बल्ब में पढ़ाई करते, 7,000 लोगों का नेटवर्क था मेरे पास, 7,000 लोगों की टीम थी उस समय जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अब पास आउट होते सोते 7,000 लोगों की टीम, अब आप पूछोगे 7,000 लोग की जो टीम थी क्रिएट कैसे की? नेटवर्क की ताकत एक तो, दूसरी बात मैंने अपने पार्ट टाइम का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है। जो भी हॉलीडेज थे, जो भी वीकेंड्स थे, जो भी छुट्टियां थी, उनको मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, उनको वेस्ट मैंने नहीं किया, हॉलीडेज एंड वीकेंड्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे छुट्टियों की कोई कमी नहीं है, करेक्ट? जनवरी से लेके दिसंबर तक त्योहार ही त्योहार है। जनवरी में आप आ जाइए मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के बाद आ जाओ बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, उसके बाद आपको फिर नया वर्ष आएगा, हिंदू नया वर्ष आ गया, उसके बाद फिर आपका एग्जाम, आपकी फिर समर वेकेशन, उसके बाद फिर से त्योहारी त्योहार, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, और उसके बाद दशहरा, रावण भी मारना है। अरे रावण को मत मारो, अपने अंदर के रावण को मार लो, 20 साल से रावण मारो कुछ मिला नहीं, इससे बेटर अपना रावण अंदर का रावण को मार लो, हो सकता है जिंदगी में तरक्की कर लो। वो क्या पुतले को मारने से फायदा क्या है? अपने अंदर के जो अंदर अंदर का जो रावण है, छोटा मोटा जो भी है, उसको मारो। उसके बाद आपका क्या होगा, दिवाली की छुट्टी, दिवाली के बाद आपका और भी, अभी फिर से देखो कल भी कोई त्योहार था, गुरु नानक जयंती भी थी और जयंती के साथ साथ में कोई और भी त्योहार था, गंगा स्नान करने वाला ऐसा कोई त्योहार था, राइट? वो भी था, ऐसी कोई पूर्णिमा उर्णिमा रही होगी, एकादशी रही होगी, हिंदुस्तान में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इतने त्योहार इतनी छुट्टियां हैं, अगर आप इन त्योहारों को छुट्टियों का आप अच्छा इस्तेमाल करते हो, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। और वही मैंने किया कि अपने पार्ट टाइम का पढ़ाई करते करते, जो मेरा 9 to 5 का क्लासेस थी या 9 to 4 की क्लासेस थी, आप ये मत कहना कि सर पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ में बिल्डअप करना है, मैंने भी बिल्डअप किया ये बिजनेस पढ़ाई के साथ साथ में बिल्डअप किया। और जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा था, ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, ऐसी कोई प्राइवेट जॉब थी जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। आज लाइक आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जाके 1-6 महीने प्रिपरेशन करके किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। आज भी मेरे बैच के कई सारे टॉपर्स बैठे हुए हैं, 11th रैंक IES, 32 रैंक, 30th रैंक, इनफैक्ट यूपी में PWD और कई सारे डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में कई सारे मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए। प्लेसमेंट का भी हकदार था, सब कुछ था मेरे पास उस समय, भाई 7,000 का नेटवर्क को लीड कर रहा था, इतनी स्किल्स मैंने बिल्डअप कर ली थी अपने अंदर कि कोई भी कंपनी मेरे को कैसे भी एम्प्लॉयमेंट दे सकती थी। कंपनी को क्या है, जो जो सिखाना है वो अपने आप हमें ट्रेनिंग दे देगी, लेकिन जो स्किल्स मैंने ईबस की बदौलत बिल्डअप किया था, जो लीडरशिप स्किल्स बिल्डअप की थी, जो मैनेजमेंट स्किल्स बिल्डअप की थी, बहुत ही वैल्यूएबल स्किल्स थी। तो जो भी नेटवर्क बिल्डअप किया मैंने अपने पार्ट टाइम में, यू नो पार्ट टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया उसको, और वही रिकमेंडेशन मैं आपको भी करता हूं। देखो आपने एक मूवी की रंग दे बसंती, उसमें एक डायलॉग था आमिर खान जी का, उन्होंने क्या बोला था कि कॉलेज गेट के अंदर जिंदगी को हम अपने कदमों पर नचाते हैं, सुना था आपने? कॉलेज गेट के अंदर जिंदगी को हम अपने कदमों पर नचाते हैं, और कॉलेज गेट के बाहर जिंदगी हमें अपने कदमों पर ना चाहते हैं। आप कैसी जिंदगी पाना चाहते हो? आप भी अपनी जिंदगी ऐसे चाहते हो कि कॉलेज गेट के अंदर तो आप अपना नचा लो खूब, लेकिन कॉलेज गेट के बाद जिंदगी के कदमों पर नाचो आप? मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों को क्या है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कॉलेज गेट के अंदर भी जिंदगी को अपने कदमों पर नचाओ, और कॉलेज में पढ़ाई करते करते ऐसा कुछ कर जाओ कि कॉलेज गेट से बाहर निकलो तब भी जिंदगी अपने कदमों पर नचा रहे हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए बस थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करना है। जो खामा खा का हम टाइम बर्बाद करते हैं इधर उधर के कामों में, अब कई लोग सोशल मीडिया पे 4-4 घंटे एक्टिव रहते हैं, क्या मिलता है? एक ऐसी न्यूज जिसका कोई लेना देना नहीं है आपको, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोग सोशल मीडिया गेम्स। आप तो चलो ठीक है, आजकल तो बुढ़े भी गेम खेल रहे हैं, मैं तो फ्लाइट में कई बार देखता हूं, मेरे बगल में फ्लाइट में एक बार देखा मैंने 62 इयर्स से 64 इयर्स ओल्ड
मैं जान के हैरान हुआ, मोबाइल खोला, कैंडी क्रश शुरू। 64 इयर्स की एज का पर्सन, मतलब मोबाइल को कैंडी क्रश में लगा हुआ है, कोई गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, पता नहीं कौन कौन से गेम चल रहे हैं। और हमारे समय में उस समय चलता था काउंटर स्ट्राइक, जो हम लोग कॉलेज में थे ना, काउंटर स्ट्राइक इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होता था आपका काउंटर स्ट्राइक पे, कई सारे हॉस्टल में लैन कनेक्ट होकर पूरा काउंटर स्ट्राइक खेलते, 5-5 घंटे 10-10 घंटे लोग गेम खेलते थे। पीपल आर लिटरली किलिंग देयर टाइम्स। करना क्या है, करना बस अपने टाइम का सदुपयोग करना। अगर अपने टाइम का सदुपयोग आप करना शुरू करते हो तो बहुत अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। और वही मैंने किया। कॉलेज से पास आउट हो रहा था, 7,000 लोग का नेटवर्क था। और आज भी मेरे को याद है, लगभग मैं आपको बताऊं, कॉलेज की फीस तो मैंने जो जमा की थी वो की थी, कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था, उतनी ज्यादा बहुत ज्यादा फीस भी नहीं थी। मेरे को याद भी आता है कॉलेज को पास आउट होने के समय लगभग अपने पापा जी के अकाउंट में लगभग मैंने 11 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया। ये जो कहानी थी ये तो मेरे कॉलेज के अंदर के दिनों की कहानी थी। कॉलेज के बाहर के दिनों की कहानी सुनो क्या? ये तो कॉलेज के अंदर के दिनों की कहानी थी। 2011 में जब मैं पास आउट हुआ तो मेरे और मेरे पापा जी के बीच में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गए। आपको पता ही है, एक जॉब क्लास फैमिली जहां पे ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स में, वहां का एक बच्चा क्या डिसीजन ले रहा है कि मेरे को बिजनेस करना है। सोचो, घर में तूफान नहीं खड़ा हो जाएगा? मेरे घर में भी तूफान खड़ा हो गया। पापा जी से डिस्कशन शुरू हुआ और वो बार बार बोले थे क्या, देखो पापा लोग का भी बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट कई बार होता है, हम जिंदा है ना, अभी पैसा कमाने की क्या जरूरत है तुम्हें, जाओ आप। उनका यही कहना था कि आप दिल्ली जाओ, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू करो। मेरा ये सोचना था कि देखो, मेरा सोचने का तरीका कुछ अलग रहा है और वो मेरा ये तरीका रहा है। उस समय मैंने क्या सोचा कि देखो, अगर आप नौकरी में जाओगे, अगर आप नौकरी में जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने से जुड़े हुए एक परिवार या कुछ लोगों की मदद आप कर पाओगे। यस और नो? हालांकि हकीकत यह है कि आज की डेट में, आप अपने परिवार का ही भला कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। कई लोग तो अपने परिवार का भी पेट अच्छे से पाल नहीं पा रहे, अपने परिवार की जो सुख सुविधाओं का ध्यान रख पा रहे हो, तभी बहुत बड़ी बात है। मैं बिजनेस में क्यों आया, मेरी इंटेंशन ये थी कि देखो, नौकरी में जाऊंगा तो हो सकता है अपने से जुड़े कुछ लोग ही मैं मदद कर पाऊं। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास ईबेस के जरिए जो 7,000 लोग का परिवार है, इसको कौन देखेगा अगर मैं नौकरी में जाने का डिसीजन ले सकता हूं। और अगर मैं नौकरी में, अगर मैं बिजनेस करता हूं, ये ईबेस में कंटिन्यू करता हूं, तो मेरे पास भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, लाखों परिवारों की मदद करने का। और आज, ईबेस के जरिए 2011 में, 2011 में जो 7,000 परिवारों का एक प्लेटफॉर्म था मेरे पास, 7,000 परिवारों से मैं जुड़ा हुआ था, आज की डेट में लगभग 1,61,000 फैमिलीज आर वर्किंग। और एक और लगभग 1.5 लाख फैमिलीज हैं जिन तक मैं पहुंचा हूं इन पिछले लगभग 10 सालों में। And after 2011, from 7,000 to till 1.5 lakh. And that is growing also. तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन परिवारों तक मैं पहुंच पा रहा हूं, और जो भी मेरे से हो पा रहा उनकी मदद कर पा रहा हूं, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं जो भी मैंने सीखा है वो उनको मैं मदद कर पा रहा हूं। देखो, कॉलेज लाइफ की जो मैं चीजें डिस्कस कर रहा था वो दो ज्यादा डिफरेंट थिंग हम करेंगे, वो बस ऐसी कुछ डिस्कशन में आपसे कर रहा था, बट ऑल टूगेदर एक डिफरेंट मेजोरिटी के साथ में जो मैंने ईबस को सीखा और मैंने करना शुरू किया। आप लोगों की जो 40 साल या 50 साल में उम्र में पानी की कुछ तमन्नाएं होती थी, भगवान ने ऑलरेडी मेरे को 24 साल की उम्र में दे दिया था। मैं आपको बताऊं, जो भी लोग की तमन्ना होती है, 24 साल की उम्र में भी मेरे पास 2-2 घर थे, 24 साल की उम्र में मैं 2-2 गाड़ियों का मालिक बना हुआ था, मैं ऑलरेडी सब कुछ था। लेकिन आज जो काम करने की मेरी, आज ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं, अगर
अप्रोक्सीमेटली महीने का 10-15 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, यह हकीकत है। आई एम नॉट डिपेंडेंट। जो 1.5 लाख लोगों का एक नेटवर्क है वो नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं जयपुर में मौजूद हूं। ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मेरी जरूरत नहीं है। जयपुर के स्टेज पे आना, इस ऑडिटोरियम के स्टेज पे आना मेरी जरूरत की बात नहीं है, ये मेरी जरूरत नहीं है, ये मेरी इच्छा शक्ति है, मेरी विलिंगनेस है। मैं यहां पे हूं क्योंकि मैं आना चाहता था। हो सकता है मेरे जरिए कोई ना कोई इंसान इंस्पायर्ड हो जाए और उसके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन पैदा हो जाए। राइट, तो कहीं ना कहीं आज एक अच्छा मुकाम मिला ईबस के जरिए। अब अगर मैं बातचीत करूं यहां पे आपके जो जयपुर के हैं लोग, जयपुर या राजस्थान के लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं यहां पे, एक कुछ लिस्ट भी मेरे को मिली है, शायद कुछ इनके सीनियर लीडर